इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक ओर होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारत? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। मैं समझता हूं कि हम सभी बहुत सी भूमिकाएं निभाते हैं। कहीं पर हम बेटे हैं, कहीं पर हम बाप हैं, कहीं पर हम भाई हैं, कहीं पर हम कुछ हैं। तो मतलब हम हर रोज अपनी जो है, हर व्यक्ति कई भूमिकाएं निभाता है। तो मेरा भी ये प्रयास होता है कि जिस भूमिका को मैं निभा रहा हूं, अगर मैं आज अब या एक जनता के सेवक के रूप में अगर कुरुक्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मैं वहां यहाँ पर जो है जनता का सेवक के रूप में काम करता हूँ। संसद के अंदर जो है मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं उसके अनुरूप मैं वहां पर संसद के अंदर मैं अपनी बात को रखता हूँ। अपने व्यवसाय के अंदर अपनी कंपनी का चेयरमैन हूँ, मैं उसके अनुरूप मैं वहां पर काम करता हूँ। और सेहत का ख्याल तो मैं समझता हूँ कि हमारा शरीर हमारा मंदिर होता है जी। और इसका ख्याल रखना जो है हमारा खुद का ये धर्म है। वही तो मूल मंत्र आपसे जानना चाहते हैं हम सब। वो क्या खाता है, जनरल साहब वो मंत्र क्या है, शरीर का वो कैसे उसका इस्तेमाल करता है जी। तो इसलिए कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी काम करूँ मैं अच्छे ढंग से उसको करूँ। देखिए मंत्र है कि एक तो खाना जो है हम उसमें खाना सात्विक के साथ साथ पौष्टिक भी होना चाहिए जी। ज्यादा तली हुई चीजें ना खाना, रात को जो है खाना समय से खाना, ज्यादा लेट ना खाना, कम नमक हो, चीनी कम खाना, मिठाई कम खाना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और रेगुलर हर रोज व्यायाम करना, चाहे वॉकिंग है, योगा है या वेट्स है, तो कोई ना कोई एक्सरसाइज करना और एक नियमित रूप से जो है एक्सरसाइज करना और कम खाना खाना और सात्विक के साथ साथ पौष्टिक भी हो जी। तो उससे मैं समझता हूँ कि ठीक रहता है सब। जिंदल साहब, सभी को ये प्रचार का वक्त है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। प्रचार का वक्त है और चुनाव के दौर में नेता अतिरिक्त मेहनत करते हैं, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। आजकल दिनचर्या क्या रहती है, कैसे इन सारी चीजों की मैनेजिंग होती है? सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं, क्या खाना खाकर निकलते हैं, रात को कब तक पहुंचते हैं, अगले दिन की प्लानिंग कैसे होती है जी? देखिए मैं सुबह 6-6:30 बजे मैं हर रोज उठ जाता हूँ और फिर 7 से 8 बजे तक मैं व्यायाम करता हूँ। उसके बाद तैयार होकर 8:30-9 बजे तक हम निकल जाते हैं। पहले कुछ घर में जो लोग मिलने वाले होते हैं उनसे मिलकर जी। और उसके बाद लगभग 9 बजे के करीब हम निकल जाते हैं। कहीं गांव में प्रोग्राम है, किसी वार्ड में प्रोग्राम है, जहां जहां पर सभाएं रखी होती है, सभाएं जो है लगभग 3-4 दिन 5 दिन पहले से जो प्रोग्राम है वो बन जाते हैं। और पूरे दिन जगह जगह जाकर के नुक्कड़ सभाएं हैं, गांवों में जाकर के सभाएं हैं, कोई बड़ी जनसभा है उनको जाकर के वहां जाकर के लोगों से जाके बात करना, लोगों से मिलना। फिर इसी तरह किसी ना किसी वर्कर के यहाँ हम जो है दोपहर का खाना रख लेते हैं और फिर करते करते यही सिलसिला जो है चलता रहता है। और रात को मैं आभारी हूँ इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने 10 बजे तक की लिमिट लगा दी कि 10 बजे तक जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए जी। तो फिर 10 बजे तक काम अपना खत्म करके और फिर जो है मैं समझता हूँ कि 11 बजे तक हम घर वापस आ जाते हैं और फिर 11-11:30 बजे सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर यही काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए लेकिन बहुत मजा आ रहा है, जहां जहां जाते हैं लोगों का बहुत समर्थन आशीर्वाद मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, तो अच्छा लग रहा है। जिंदल साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी फाइट किसके साथ है, इनेलो के साथ या भारतीय जनता पार्टी हजका के कैंडिडेट के साथ? आप किसको मानते हैं कि आपकी फाइट किसके साथ है?
देखिए ये कहना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इनेलो और भाजपा की आपस में फाइट होगी और कांग्रेस पार्टी जो है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में इनसे कहीं ज्यादा आगे रहेगी। जी जिंदल साहब, हम ये जानते हैं कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, वो भी ऐसे वक्त में जब आपको बहुत सारे दौरे करने हैं, बहुत सारी जनसभाएं करनी है, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हमें भी आपसे बातचीत करनी है। जिंदल साहब, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल तो ये, चूंकि आप युवा हैं और देश में इस वक्त युवाओं की बयार बह रही है, एक और युवा नेता हमारे बीच है जिन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियों की नाक में दम कर रखा है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की बात हम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में आम आदमी पार्टी को आप कहां देख रहे हैं? क्या इनका कोई भविष्य है आपके मुताबिक या नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार जो है ये 0-0 रहेंगे हरियाणा में। और जिस तरह से दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर विश्वास करके इनको जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया, इनको दिल्ली की सत्ता सौंपी, लेकिन इन्होंने 50 दिन पूरे नहीं किए, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े हुए, तो ये जो है ये मैं समझता हूँ कि ये कायर हैं। इन्होंने जो लोगों से वायदे किए थे ना तो इन्होंने वायदे पूरे किए, और इसको मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मानता हूँ कि लोगों को लुभावने वादे करके और लोगों को जो है उल्लू बनाया इन्होंने, लोगों को जो वायदे करके हर जगह इन्होंने सब कुछ लोगों को वायदा कर दिया और उसके बाद जब जिम्मेवारी मिली तो जिम्मेवारी छोड़ छाड़ करके भाग गए। एक सिर्फ वो जन लोकपाल बिल का बहाना लेकर के और छोड़ करके भाग गए। तो ऐसे लोगों को जनता को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भरोसे के लायक ही नहीं है। चलिए जिंदल साहब, आप भी काम कराने के समय लगता है। जिंदल साहब, आप ध्वज के झंडे का हक हर भारतीय नागरिक को मिले इसके लिए 10 साल मुझे लगे, 10 साल तक मैंने संघर्ष किया तब जाकर के ये हक मिला। मैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर मैं काम कर रहा था, 2006 में मैंने इसके लिए गैर सरकारी प्रस्ताव मैंने संसद में रखा और 7 साल इसके अंदर लगे और 2013 में जाकर के ये बिल पारित हुआ और एक देश का कानून बना। तो इसलिए कोई भी काम करने में बहुत समय लगता है, ये सिर्फ खाली बोल करके इनकी एक ही पॉलिसी है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाओ, लोगों को लुभावने वादे करो। और ये बहुत जल्दी में है कि भाई पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ो और प्रधानमंत्री के पद की कोशिश करो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं अवसरवादी लोग, उनको जनता जो है मैं समझता हूँ कि उनको पूरी तरह से नकारेगी, आप देखेंगे इस बार चुनाव। चलिए चलते चलते जिंदल साहब, एक चीज कि उनको तो आपने 0-0 नंबर दिए, कांग्रेस को 10 में से कितनी सीटें मिलेंगी इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूँ कि बाकी सभी राजनीतिक दलों से अधिक सीटें मिलेंगी। कितनी मिलेंगी अगर मैं बता सकता तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी होता और बहुत लंबी लाइन लगी रहती लोगों को पूछने के लिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में बाकी सभी दलों से अधिक सीटें मिलेंगी। जिंदल साहब, ये तो बता सकते हैं आप कि नवीन जिंदल इस बार जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं या नहीं? इस बात को लेकर नवीन जिंदल कॉन्फिडेंट है या नहीं है? मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नवीन जिंदल के साथ साथ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की जनता इस बार हैट्रिक बनाएगी और हम सब मिलकर अपने सपनों का कुरुक्षेत्र, अपने सपनों का हिंदुस्तान हम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया नवीन जिंदल साहब वक्त निकालने के लिए और इंडिया न्यूज हरियाणा पर चौदह के चक्रव्यूह में तीखे सवालों का सामना करने के लिए। चौदह के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ थे नवीन जिंदल, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी और शख्सियत के साथ इसी तरह के तीखे सवाल लेकर चौदह का चक्रव्यूह में हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जा रही हैं।